नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन राउत स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल ऑनलाइन बापू में, जहां पर मिलता है आपको थोड़ा ज्ञान अबाउट ऑल और कुछ इनाम। आज इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि भारत के अलावा ऐसे कौन सा देश है जहां पर हिंदी भाषा में बात किया जाता है, यानी कि हिंदी भाषी लोग वहां पर रहते हैं। हिंदी भाषा भारत की आधिकारिक भाषा और संयुक्त अरब अमीरात में मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा है। हिंदी भारत में लगभग 4.25 करोड़ लोग की पहली भाषा है और करीब 12 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा है। हिंदी का नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। फारसी बोलने वाले तुर्क, जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया था। आज हम आपको उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है। जो लोग हिंदी भाषी है उनके लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि इन देशों में आप बेझिझक हिंदी बोल सकते हैं और आपको समझने वाले लोग भी वहाँ मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में हिंदी भाषी लोगों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। लगभग 8 मिलियन नेपाली हिंदी भाषा बोलते हैं। हालांकि एक बड़ी आबादी द्वारा हिंदी बोले जाने के बावजूद नेपाल में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। 2016 में सांसदों ने हिंदी भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की मांग की थी। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी भाषी लोगों के तीसरे सबसे बड़े समूह का घर है। लगभग 6,50,000 लोग यहाँ हिंदी भाषा बोलते हैं, जो इसे संयुक्त राज्य में 11वीं सबसे लोकप्रिय विदेशी भाषा बनाती है। हालांकि अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व के कारण भाषा बोलने वाले ज़्यादातर इसका इस्तेमाल घर पर करते हैं। संयुक्त राज्य में हिंदी के मूल वक्ता बहुत कम है, जिनमें से अधिकांश भारत के अप्रवासी हैं। तीसरा है मॉरिशस। मॉरिशस के एक तिहाई लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। देश का संविधान राष्ट्रीय भाषा को स्पष्ट नहीं करता है, हालांकि अंग्रेजी और फ्रेंच संसद की आधिकारिक भाषा है। अधिकांश मॉरिशस मूल भाषा के रूप में मॉरिशस क्रियोल बोलते हैं। चौथा है फिजी। फिजी में हिंदी भाषा भारतीय मजदूरों के यहाँ आगमन के बाद आई। फिजी में ये उत्तर पूर्वी भारत से आए, जहाँ अवधि, भोजपुरी और कुछ हद तक मगही बोलियाँ बोली जाती है। इन बोलियों को उर्दू के साथ जोड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई भाषा का निर्माण हुआ, जिसे शुरू में फिजी बाट के रूप में जाना जाता था। पांचवा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भारत सस्टेनेबिलिटी चैलेंज 2017 के अनुसार हिंदी न्यूजीलैंड में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक संबंध इसकी बड़ी वजह है। जर्मनी में तो कई दशकों से हिडलबर्ग, लिप्जिग और वन सहित विश्वविद्यालयों और शहरों में हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जा रही है। तो ये था 6 ऐसा देश जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, और आखिरी देश है जर्मनी।